Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I'm going to start with part 7 of exercise 16.3. Now question number 20 first part we have to find the perimeter as well as the area of the shaded region. तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मैंने ऑलरेडी स्केच कर रखा है सो so, ये जो है दिस इज द फिगर यहाँ इसको अगर हम डॉटेड लाइन से डिवाइड करते हैं तो यू कैन सी ये फिगर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ सेमी सर्कल राइट ये कॉर्नर है कि ये 90 डिग्री है दिस इज लेंथ विच इज 4 सेंटीमीटर एंड द लॉन्गेस्ट साइड इज 10.5. तो इसको हम लोग लेबलिंग करते हैं A, B, C, and D. All right. So area of ABCD is equal to length into breadth, which is ten point five into four. That gives us forty-two centimeter square. Right? Now, this dotted line here. इसका क्या मेजरमेंट होगा नो डाउट यहां पे इसको हम लिख देते हैं ई सो ई डी इज इक्वल टू ए डी माइनस ए ई ये देखिए दिस इज ई डी दायर लेंथ ए डी और ए डी हो गया क्या हम आगे लिख देते हैं यहां ए डी इज इक्वल टू बी सी रीजन क्या हो गया ऑपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल क्लियर सो AD इज इक्वल टू बी सी जिसका की लेंथ क्या है टेन पॉइंट फाइव माइनस ए क्या है थ्री पॉइंट फाइव देफोर ईडी का वैल्यू क्या निकला वो है सेवन सेंटीमीटर अब ये जो ईडी है That becomes E D is equal to diameter of the semicircle henna. Therefore, radius is equal to seven by two. Hence area of the semicircle is equal to.

सेवेंटी सेवन बाई फोर सेंटीमीटर स्क्वेर द गिवेन फिगर इज इक्वल टू फोर्टी टू प्लस सेवेंटी सेवन by फोर अब ये सॉल्व करने का दो वे है एक या तो आप एलसीएम निकालिए जो हम लोग अभी तक करते आए हैं या सेकंड क्या है 77 सेवन बाई फोर को डिवाइड करिए और आंसर को डेसिमल में लाइए तो आज हम आपको वो चीज सिखा देते हैं तो जब हम लोग सेवेंटी सेवन डिवाइड करते हैं आंसर so और इन दोनों का जब हम लोग ऐड करते हैं वी गेट द एरिया सिक्सटी वन पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर नाउ वी नीड टू फाइंड द सर्क राइट सो सकमेंस ऑफ द सेमी सर्कल इज इक्वल टू टू बाई आर अगेन बाई टू क्योंकि वो सेमी सर्कल है सो टू इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू आर रेडियस था हमारा सेवन बाई टू इंटू हाफ So, 2 and 2, 7 and 7 got cancelled. 2 ones are, 2 elevens are. So, circumference is 11 centimeter of this semicircle. Now, we will find perimeter of the figure A, B, C, D. Therefore, perimeter of the figure is equal to सरकस ऑफ द सेमी सर्कल मिल गया हम लोगों को वो है इलेवन प्लस नेक्स्ट मेजरमेंट है थ्री पॉइंट फाइव फिगर अगर आप फॉलो करेंगे तो वो हम लोग लिख दिए प्लस फिर आता है फोर प्लस लॉन्गेस्ट साइड इज टेन पॉइंट फाइव प्लस अगेन फोर अब जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा थर्टी थ्री centimeter. So this is the answer. Now next again, we need to find the area as well as the perimeter of this given figure. अगर आप गौर से देखेंगे so this is the combination of a semicircle and a triangle, right? अब ये triangle में देखिए ये जो length है BC that is एट AC is टेन तो हम लोग यहाँ पे ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं A, B and C. और यहां पे हम लोग निकालेंगे मेजरमेंट ऑफ ए बी थ्रू पाइथोग प्रॉपर्टी और वो क्या है देखिए लॉन्गेस्ट साइड पता है और ये जो हाइट ऑफ द ट्राइंगल पता है सो वी कैन फाइंड द बेस राइट सो इन ट्राइंगल ए बी सी ए सी होल स्क्वेर इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वेर प्लस बीसी होल स्क्वायर ये है फॉर्मूला तो चलिए इन सब का वैल्यू बैठाते हैं सो ए सी इज टेन होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी अनोन है प्लस बी सी इज एट अब जो अननोन है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो वो हो जाएगा ए बी होल स्क्वायर प्लस एट होल स्क्वेयर इज इक्वल टू टेन होल स्क्र और ए बी होल स्क्स हंड्रेड ये राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और ए टेट इज सिक्सटी फोर डेट गिवस अस थर्टी सिक्स और यहाँ पे जब हम लोग ए बी लिखते हैं तो ये जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा वो इसके ऊपर स्क्वायर रूट का सिम्बल दे देगा and i have taught you how to find out the square root in order to find the square root we need to find out the prime factors of 36 so 2 1 8 2 9 3 3 and 3 1 next step kya hai pairing so wo ho jayega 2 into 3 which is 6 सिक्स सेंटीमीटर सो ये है मेजरमेंट ऑफ ए बी अब आगे देखिए अब ये जो एबी है डोंट यू थिंक दैट इज़ द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल सो रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज सिक्स सेंटीमीटर डेफो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेर बाय टू जस्ट बिकॉज इट इज अ सेमी सर्कल तो इसको सॉल्व करते हैं ट्वेंटी टू बाय सेवन इंटू सिक्स इंटू सिक्स इंटू हाफ सो टू इलेवन हमारा आंसर आता है थ्री हंड्रेड नाइंटी सिक्स बाय सेवन सेंटीमीटर स्क्वेर तो दिस इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल राइट अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इन टू हाइट लेकिन फिगर में दो ट्राइंगल है एक है ट्राइंगल एबीसी दूसरा है ट्राइंगल डी बी सी इसीलिए इनटू टू और राइट तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं टू इंटू हाफ इंटू बेस था सिक्स सिक्स इंटू एंड हाइट इज एट सो टू एंड टू गॉट कैंसिल सिक्स एट इज फोर्टी एट सेंटीमीटर स्क्वेर देफो टोटल एरिया इज इक्वल टू 396 हंड्रेड नाइंटी सिक्स बाय अगेन सीधा सा सम है इसको हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं थ्री सिक्स प्लस थ्री हंड्रेड थर्टी सिक्स डेट गिव्स अस सेवन हंड्रेड थर्टी टू बाई सेवन अब इसको हम लोग इम प्रॉपर में लिखते हैं तो वो हमारा आंसर आएगा वन हंड्रेड एंड फोर फोर बाय सेवन सेंटीमीटर स्क्वेयर यू कैन लीव योर आंसर लाइक दिस और फिर आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं इट विल बी करेक्ट सो एरिया तो मिल गया अब हम लोगों को निकालना है द सर्कम्फरेंस ऑफ द फिगर। दैट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री पेरीमीटर राइट सो नाउ सर्कम ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू टू पाई आर जस्ट बिकॉज वो सेमी सर्कल है इसीलिए डिवाइडेड बाई टू सो टू इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू आर आर इज सिक्स इंटू हाफ सो टू एंड टू गॉट कैंसल्ड सो ये हो गया वन हंड्रेड एंड थर्टी टू बाय सेवन सेंटीमीटर अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे ये देखिए दे टोटल पेरीमीटर इज इक्वल टू सेमी सर्कल का तो निकल गया दैट इज 132 हंड्रेड एंड थर्टी टू बाई सेवन प्लस अब रह गया ट्राइंगल जिसका की वन साइड है टेन प्लस टेन राइट सो अगेन वी विल टेक आउट दी एलसीएम सो वन हंड्रेड थर्टी टू प्लस सेवेंटी प्लस सेवेंटी दैट गिव्स अस 272/7 और इसको हम लोग अगर इंप्रॉपर में लिखते हैं तो हो जाएगा 38 6/7 सेंटीमीटर सो दिस इज द आंसर हेलो फ्रेंड्स वैसे तो गुरुकुल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि आपका डाउट्स क्वेरीज प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सके लेकिन तकलीफ इस बात का है कि पिछले कुछ दिनों से मुझे वो लाइक नहीं मिल रहा सो प्लीज व्यूअर्स हमारे वीडियोस को लाइक करिए और लाइक पाने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हम अपना काम और ज्यादा परफेक्शन के साथ कर सके थैंक यू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इफ अ वायर इज बेंड इन द शेप ऑफ अ स्क्वे तो ये है स्क्वेर जो कि एक वायर से बना है तो इसका एरिया बोला गया है इज 81 वन सेंटीमीटर स्क्वेर एंड वेन द सेम वायर इज बेंड इन टू द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्क्यूलर आर्क बाउंडेड बाय डायमीटर देन वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेप सो फॉर्म्ड ठीक है तो पहले हम लोग ये स्क्वेयर का बात करते हैं स्क्वायर का एरिया हम लोगों को पता है सो वी कैन फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वेर सो

स चारों तरफ नाइन बिकॉज स्क्वायर इज इक्वल ऑन ऑल द फोर साइड ये हो गया सो हम लोग अब पता करेंगे लेंथ ऑफ द वायर दे फोर लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू फोर इन टू नाइन दैट इज थर्टी सिक्स सेंटीमीटर फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हुआ अब बोला गया है कि अब इस लेंथ का जो वायर था जिससे एक स्क्वायर बनाया गया था अब वो पूरे वायर से नया शेप दिया गया एंड दैट इज सेमी सर्कल राइट ये तो अब हम लोगों को इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो अब ये सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए वी नीड द वैल्यू ऑफ द रेडियस और रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को पहले इसका क्या निकालना होगा दर बाउंड्री सेमी सर्कल राइट तो सेमी सर्कल में तो हमको ये पोर्सन तो मिल जाएगा हाफ ऑफ सर्कल, पर हमको इसमें तो ये भी इंक्लूड करना होगा तो ये क्या हो गया सेंटर पॉइंट द डायमीटर राइट अब देखिए हम लोग इसको कैसे करते हैं तो सर्कल जब निकालते हैं हम लोग सेमी सर्कल का तो उसका फॉर्मूला क्या है टू पाई आर यानि की ये ऊपर का पोर्सन मिलेगा एंड जस्ट बिकॉज ये सेमी सर्कल है इसीलिए डिवाइड बाई टू प्लस अब इसका भी तो लेंथ निकालना है टू आर इज इक्वल टू थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स क्या है लेंथ ऑफ द वायर अब आपको समझ में आया हम लोगों ने यहाँ पे टू आर क्यों लिया बिकॉज ये सबको हमको लेके चलना है राइट right? अब चलिए अब इसमें हम लोग निकालते हैं वैल्यू सो टू इंटू ट्वेंटी टू बाय सेवन

अब यहाँ पे देखिए आर कॉमन है तो हम लोग क्या करेंगे आर बाहर निकाल देंगे और हो जाएगा ट्वेंटी टू बाई सेवन प्लस टू ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू थर्टी सिक्स इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में एलसीएम होगा सेवन सो ट्वेंटी टू प्लस फोर्टीन इज इक्वल टू थर्टी सिक्स सो आर ब्रैकेट में ट्वेंटी टू प्लस फोर्टीन गिव्स थर्टी सिक्स बाई सेवन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू थर्टी सिक्स तो अब हम इसको रिमूव करते हैं ब्रैकेट को तो क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स आर बाय सेवन इज इक्वल टू थर्टी सिक्स और थर्टी सिक्स आर इज इक्वल टू थर्टी सिक्स सेवन क्रॉस मल्टीप्लाई और आर इज इक्वल टू थर्टी सिक्स इंटू सेवन बाई थर्टी सिक्स ये थर्टी सिक्स नीचे आ गया राइट सो थर्टी सिक्स एंड थर्टी सिक्स गोट कैंसिल सो हमारा रेडियस क्या है सेवन सेंटीमीटर तो अब हम इज़ीली निकाल सकते हैं एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल दे फोर एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेर बाय टू That is 22 by 7 into 7 into 7 into half. 7 and 7 to 11. So, ho gaya 77 centimeter square is the area of the new figure formed by bending the same wire. So, with that we come to the end of exercise 16.3. Thank you.